Yo, what's happening guys? My name is Loggy और guys आज हम फिर से अपनी दुबई वाली सिटी में और guys आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कि मैंने और चपाती भाई ने रिसेंटली एक 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की रेस शुरू की है और guys मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे सब्सक्राइब करें क्योंकि वो रेस हमें ही जीतनी है और ऊपर से तीर कौन मार रहे हो कहाँ से चपाती भाई क्या आ रहा है बच गया भाई बच गया तेरे बिल्कुल पास से निकला यार ये वाला भाई ओगी के तीर मार रहे हो भाई देखियो मैं तेरे को एक जादुई ट्रिक दिखाता हूँ हाँ, तो ब्रो मेरे को बाबा टीटू ने एक आशीर्वाद देकर रखा है और वो आशीर्वाद ये है कि मैं 5 सेकंड के लिए टाइम रिवर्स कर सकता हूँ वो झूठ मत बोलो भाई दिखाओ मुझे दिखाओ खतरनाक वाला आशीर्वाद है तेरे को यकीन कैसे करोगे टाइम रिवर्स ओके और मैं मेरे को फॉल डैमेज भी नहीं मिलेगा ठीक है ना रेडी मैं मानता ही नहीं हूँ भाई मैं मानता ही नहीं हूँ बच गया भाई सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा ओके गिली गिली यप्पा से छू उसके बाद हो गया उसके वजह से करना पड़ेगा हो गया भाई अभी मैं रेडी हूँ अभी देखियो हाँ मैं नीचे करूंगा और मैं टाइम रिवर्स कर दूंगा ठीक है ना वो मैं मानता ही नहीं हूँ भाई 2-3 और याद रखियो कि मेरे को फॉल डैमेज नहीं मिलेगा हाँ भाई मुझे याद है लेट्स गो वो देन और अभी मुझे बटन दबाना मुझे हिलना नहीं है बटन दबाना और टाइम रिवर्स ओए ये कैसे किया भाई साहब ये कैसे टाइम कैसे रिवर्स किया ये मुझे भी करना है मुझे भी दिखाओ ना क्या हुआ मैं क्रिएटिव में खेल रहा था अरे यार ये सही में ओ भाई इसको लगा कि टाइम रिवर्स हो गया मैं वापस ऊपर जा हां भाई मैं वही सोच रहा था कि यार आपने टाइम रिवर्स किया लेकिन मैं तो रिवर्स हुआ ही नहीं इस टिकटॉक हैक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार और आज हम कर रहे हैं टिकटॉक हैक भाई लेट्स गो एक और फिर मुझे भी क्रिएटिव में आने दो 10 सेकंड्स लेटर ओके गाइस चपाती भाई ने मुझे ट्रोल किया तो गाइस अभी मैं भी क्रिएटिव के अंदर आ चुका हूं और गाइस मेरे पास एक ऐसा टिकटॉक हैक है जिससे मैं चपाती भाई को छोड़ूंगा नहीं और आजा भाई आजा देखते हैं तेरे पास कौन से हैक है तो भाई जय टिकटॉक हैक्स की और सुनो भाई पहले हैक के लिए हमने जाना है नेदर के अंदर आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ और आज मैं आपको बड़ा खतरनाक वाला हैक दिखाऊंगा गाइस चपाती भाई को पता भी नहीं अभी मैं अभी उनको कैसा ट्रोल करने वाला हूँ आजा कौन सा हैक दिखाने वाला है मेरे को तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली पता है जब आप पिगलिंग के सामने जाते हो गोल्ड आर्मर में तो वो आपको डैमेज नहीं करेगा समझ गया ना भाई लेकिन आज मैं वो पूरा रूल चेंज कर दूंगा ठीक है ना कैसे करेगा तू आप सिर्फ भाई पहले आप गोल्ड का आर्मर पहनो ठीक है ना सबसे पहले गाइस मैं क्रिएटिव में हूं तो मैं फटाफट से मैं अपने लिए मेरा हेड कैसे पहन लिया है अरे रुक ना ये देख तो गाइस मेरे पास आ चुके हैं गोल्ड के जूते मेरा हेड निकालो मामू आ गए आप मामू आ गए हेड निकालो ओए अब इससे हेड पहन लिया तेरे ओए बोल ओए हेलो क्या कर रहा है ये हेलो अबे ये क्या कर रहा है तेरे हेड पहन लिया भाई उसको लगा कि ये आर्मर मामू आर्मर नहीं है उसका लॉगी का हेड है वो बड़ा तेज है यार ये वाला तो बहुत तेज है और अभी आपको यहाँ से निकालना है एंड चेस्ट ठीक है ना भाई एंड चेस्ट निकालो और फिर सर्वाइवल में आ जाओ लेट्स गो तो ले मैं एंड चेस्ट मैंने निकाल दी और मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ हाँ और अभी आप एक पिगलिंग के सामने आप रखो भाई पिगलिंग के सामने ये रहा भाई ये जिसने हेड के पहना इधर आ ओए हेलो कहीं का तो पूरा सर लेके भाग गया मेरे पास पूरा बंदा तो आप देख रहे हो ना भाई अभी ऑब्वियसली आपको अटैक नहीं करें और अभी अभी चेस्ट को खोलो अभी मैं चेस्ट को खोल लिया और आ रहे हो भाई अभी अटैक करेंगे अबे मैंने गो पिगलिंग्स गो पिगलिंग्स भाई मेरे गोल्ड कार पर पैंक कर रखे हैं मुझे पर अटैक कैसे कर सकते हैं कुछ भी नहीं होगा भाई आपने एनचेस्ट खोला उनके सामने उनको एनचेस्ट पसंद ही नहीं है भाई तू रुक ना वो एनचेस्ट लूटेंगे और फिर से आगे हां भाई मैं अपना एनचेस्ट बंद रखा वहां पर गो पिगलिंग बहुत बढ़िया लॉगी वाला पिगलिंग बचाओ यार मैं कहां फंस गया यार ये यार हैक तो तेरा मस्त वाला था यार लॉगी डेंजर था ना भाई बड़ा खतरनाक हैक था मेरे को पता नहीं था कि यार नेदर के अंदर अगर हम एनचेस रखेंगे तो वो पिगलिंग जो है पागल हो जाएंगे तो ओके नेदर के अंदर एनचेस मत लेके जाओ गाइस आ जाओ भाई अब ये रहा भाई ये रहा और अभी मैं आपको एक और हैक भी दिखाता हूं क्या बात है कितने सारे हैक्स लेके आया है तू आज तो मेरे पास बहुत सारे हैक्स हैं दिखा बेटा दिखाता हूं और आ जाओ भाई अभी हम आ गए हैं पास वाले गांव के अंदर और अभी मैं आपको बड़ा खतरनाक वाला हैक दिखाऊंगा जिससे आपके घर के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा ठीक है ना भाई तो ये हैक बहुत ज्यादा सिंपल है तो अभी हमने यहाँ पर लगाना है आयरन डोर फिर हमने ये स्टेयर तोड़नी है और ये ब्लॉक भी तोड़नी है और इसके ऊपर हमने रखना है प्रेशर प्लेट ठीक है ना भाई इसका क्या मतलब हुआ भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना भाई और अभी मैंने इसको कवर कर दिया और चलो भाई मैं आपको अभी चैलेंज देता हूँ okay. आप बिना एक ब्लॉक भी तोड़े यहाँ पर बटन या लेवर रख के ये दरवाजा खोलने की कोशिश करो सिंपल तो ये मैं इन्वेंटरी के अंदर अभी मैंने बोला भाई लेवर और बटन अलाउड नहीं है
अच्छा ओके मैं कैसे करूंगा यार ये? आप खोल के तो दिखाओ भाई, आप ये कभी खोल ही नहीं पाओगे। भाई ये कैसे खोलते हैं? मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये आयरन का दरवाजा है, इसको खोलने के लिए या तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा या तो बटन वगैरह लगाना पड़ेगा। भाई ऐसा सबको लगता है, लेकिन आज मैंने एक बड़ा खतरनाक वाला हैंड हैक ढूंढ के रखा। मैं आपको दिखाऊं? दिखा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर ये तीर मैंने ऐसे लोड किया और यहाँ पर शूट किया तो ये देखो भाई दरवाजा खुल गया। नहीं हो रहा, ते बच गया। ये कैसे किया तूने? देख रहे ना भाई, ये कैसे सिक्योरिटी तेरे घर की? तो अगर मैं यहाँ पे तीर मारू तो दरवाजा, अभी आप लॉक हो गए अंदर। ओके अभी अंदर से मैं बाहर कैसे आऊंगा? हाँ हाँ उसका पता नहीं, उसका पता नहीं। वन वे हैक है तो उसके लिए आप अंदर से बटन लगा सकते हैं। वैसे हैक एकदम बढ़िया, हमारे बहुत काम आ सकता है। तो मॉब वगैरह से बचने के लिए गाइस हम ये हैक हमेशा यूज करेंगे। लाइक ऑब्वियसली बड़ा खतरनाक हैक था ना भाई। ओके बात सुन, क्या ये हैक नॉर्मल दरवाजे पे चलता है? ट्राई करियो। नॉर्मल दरवाजे पे शायद चलता होगा। एक मिनट भाई, पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल दरवाजा निकालता हूँ और इसको तोड़ो। यहाँ पर इसको रखो यहाँ पर। और तेरी भाई और एक नॉर्मल दरवाजे पर नहीं, नॉर्मल दरवाजे पर नहीं चल रहा भाई, सिर्फ आयरन डोर पर चलता है। तो गाइस एक बारी फिर से मस्त वाला हैक हमने खोज लिया यहाँ पर। अभी कौन सा हैक लेके आया लॉगी अपने लिए? अभी मैं आपको एक ऐसा हैक दिखाऊंगा जहाँ पर आप एकदम से अपने डायमंड या नेदरराइट और या जो आपकी जो वैल्यूएबल चीजें वो आप छुपा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे खोदना ये गड्ढा, ठीक है ना भाई? तो आपको अभी आना है यहाँ पर दो ब्लॉक नीचे, या चलो तीन ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना भाई? यहाँ पर लॉगी ने तीन ब्लॉक नीचे खोद कर रखा है। आप इसको जितना बड़ा बना सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन भाई मैं सिर्फ इतना बनाऊंगा 3x3। और फिर आपको रखना है बीच में एक सोल सैंड, फिर आपको उसके ऊपर रखना है एक्टिवेटर रेल, फिर आपको कर देना है इसको एकदम से कवर, ठीक है ना भाई? और फिर आपको बीच में रखनी है सोल सैंड, और फिर आप कोई भी स्टेयर लेकर ऐसे आपको रखना है, फिर इसके पीछे आपको रखना है पावर रेल, ठीक है ना भाई? तो ऐसे ऐसे बनाओ। मेरे को लग रहा है गाइस ये फटने की रेसिपी है। फिर इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पर होने वाला था। मैं बहुत दूर तक खड़ा होता हूं भाई। आ जाओ भाई, अभी आप इसके ऊपर बैठ सकते हो। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, रेडी हो ना भाई? चल। तो अगर जब ओके चल जा भाई। और अभी मैं देखो भाई, मैं इसके अंदर गया और जैसे ही मैं निकला, ये देखो भाई, ये तो कहाँ पे गया हुआ है? मैं एकदम से उसके नीचे आ चुका हूँ और मैं इसको जितना बड़ा कर सकता हूँ इसको बना सकता हूँ, देख रहे हो ना भाई? ओ भाई तो ये वो तो गया कहाँ पे? तो गाइस ये वाला है हम एसएमबी में ट्राई करेंगे, अपने हीरो प्राइमल एसएमबी में। और चलो भाई अभी मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है ना भाई? बाकी है कल करेंगे, ठीक है ना भाई? मेरे को जाने से पहले हैक दिखाना भाई, कौन सा बहुत सारी फार्मिंग की जॉब्स देता तो प्लीज फार्मिंग ऐसा हैक बता जिससे मेरे को फ्री में बोन मिल सके यार। बोन मिल? हाँ वैसे ऐसा मेरे पास एक हैक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना? तेरे पास ऐसा हैक भी है? हाँ भाई। तो सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ से कंपोस्टर। ओके तो कंपोस्टर बनाना एक्चुअली सर्वाइवल में बहुत ज्यादा इजी है, तो ये मैं बना सकता हूँ। तो इसको आप यहाँ पर फार्मिंग के कोने में रख सकते हो, ठीक है ना भाई? और अभी आपको निकालना है यहाँ पर एक श्रूम ब्लॉक, श्रूम लाइट ब्लॉक, ठीक है ना भाई? आई थिंक ये नेदर में पड़ी होती है, बहुत बड़ी जाता है भाई में। ये बहुत ही आराम से आपको मिल जाएंगी, बहुत इजी ब्लॉक है। और जैसे ही आप इसके ऊपर ये मारोगे तो ये देखो भाई आपको बोन मील मिलेगा इससे। कैसे मिल रहा है मेरे को? देख रहे ना भाई, ये देखो यहाँ पर गिरा तो है भाई, कहाँ? ये देखो भाई गिर तो रहा है भाई, बोन मील निकल रहा है लिटरली गाइस, यहाँ से बोन मील मिल रहा है। अभी मेरे पास एक और फाइनल हैक है और वो हैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप नेदर स्टार कैसे ले सकते हो, वो भी वेदर को बिना टच किए, ठीक है ना? दिखा, आज मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें एंड के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना? आ जाओ भाई, कहाँ भाग रहे हो एंड के अंदर? सॉरी मेरे को लगा था कि तुम मेरे को टाइम पास करने के लिए यहाँ पे लेके आ गए यहाँ पर। आ जाओ भाई, अभी ये हैक भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अभी आपको नीचे डिग करना चार ब्लॉक्स, ठीक है ना? क्यों लग रहा है कि तू यहाँ पर वेदर को ट्रैप करने वाला है? हाँ भाई ऐसा ही समझो भाई, आप ऐसा ही समझ लो। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो भी सर्वाइवल में। तुम्हें कहाँ पर बता रहा है लॉग कितना स्लो बनता है? जो काम मैंने 50 साल पहले किया था वो आज कर रहा है। अरे भाई ये ऐसा है क्या भाई, आप कहीं पर भी जा सकते हो, ये वेदर आपके लिए पहले से यहाँ पर डेड होगा और चेस्ट के अंदर आपके लिए नेदर स्टार पड़ा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसने बहुत सारी स्टेयर्स रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें रखनी है यहाँ पर स्टेयर्स, फिर आपको रखना है इसके नीचे एक चेस्ट, ठीक है ना? एक मिनट भाई, चेस्ट रख दिया, इसको कवर कर देता हूँ। और फिर आपको इसके ऊपर रखना होता है एक हॉपर, और फिर आपको इसके ऊपर रखनी है रेल, फिर आपको रखनी है माइन कार्ट विद हॉपर, और फिर रेल को तोड़ दो, ठीक है ना भाई? राइट ओके, हाँ रेडी हो ना भाई? और फिर आपको यहाँ पर स्पॉन करना है विदर। ये देखो भाई विदर को स्पॉन करना, वो भी कटोरी के अंदर। चल ये लेट है, विदर नहीं है, ऐसे स्पॉन थोड़ी होता है, होता है भाई। ये भाई हैक के अंदर एक और हैक है। ये तो मेरे को पता नहीं था कि ये लेट की भी स्पॉन होता है गाइस, ये मेरे को पता नहीं था। और ये विदर एक्चुअली डैमेज दे रहा है, क्या कर रहा है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। अभी इसको स्पॉन तो होने दो भाई, इसको स्पॉन होने दो पूरा। ओके अभी तो फटेगा यहाँ पर। हाँ भाई कुछ नहीं होगा। और ये देखो भाई अभी ये विदर खुद पे खुद मर रहा है। और भाई ये इन द मीन टाइम आप जाकर एंड सिटी भी यहाँ पर लूट सकते हो भाई साहब। और तब तक और जब तक आप वापस आते हो ये नेदर स्टार इस चेस्ट के अंदर होगा। लिटरली गाइस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही मर रहा है। अबे भाई यहाँ से दरवाजा खुला, यहाँ से बाहर आ जा। अबे वो देखो भाई ऊपर से भी मर रहा है भाई, ऊपर से सही मर रहा है वो।
पूरे 50 साल से गाइस हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अरे क्या वेट कर रहे हैं भाई, वो मरने ही वाला भाई, सिर्फ 50 सेकंड तो लगे। मर गया, वो ऑलमोस्ट डेड है। नहीं है, वो अभी भी बचा हुआ है। मर गया नेदर स्टार। ये कटोरियां वगैरह बनाने की क्या जरूरत थी, जाके ले ले। हाँ देखो, नेदर स्टार चेस्ट के अंदर गया, कटोरियां बना के रखी है। लेकिन हैक तो मस्त था ना भाई, ठीक था। विदर को मारने के लिए ये वाला हैक एकदम बेस्ट है। तो गाइस ये थे हमारे टिकटॉक हैक्स यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। और गाइस अगर आपको भी मजा आया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।